2020 में भोजपुरी में सबसे ज़्यादा, जी हाँ सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला एक्टर कौन है? जी हाँ, इस बात का खुलासा भी होगा और ये भी बात बताई जाएगी कि 2020 में किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री फल फूल रही है। वैसे अब हम आपको बता दें कि भोजपुरी के 3 से 4 टॉप एक्टर ऐसे हैं जो कि अपनी फीस तो लेते हैं लेकिन फिल्मों में प्रॉफिट का भी पैसा लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि बॉलीवुड में होता आया है कि मोस्ट ऑफ जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं अगर फिल्म हिट हो जाती है तो वो प्रॉफिट का पैसा लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए और शाहरुख खान, सलमान खान, और इसमें सबसे ऊपर अगर नाम आता है तो नन अदर देन आमिर खान का आता है। लेकिन खैर, आज हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भोजपुरी में कई सितारे ऐसे हैं जिनकी कमाई आप सोच भी नहीं सकते उतनी है। तो चलिए शुरुआत हम अरविंद अकेला कल्लू से करेंगे। प्रोमिनेंट फेस है अरविंद अकेला कल्लू, भले ही फिल्मों में एक फिल्म करने का 8 से 10 लाख चार्ज करते हो, जी हाँ 8 से 10 लाख चार्ज करते हो, और स्टेज शो का 1 से 1.5 लाख चार्ज करते हैं, और अगर उनके गाने आए और गाने सुपर हिट हुए तो उसकी प्रॉफिट की बात छोड़ दीजिए, तो उसकी उनकी अलग ही फीस होती है, वो तकरीबन 1 से 2, 2 से 3 कितनी भी हो सकती है प्रोडक्ट वाइज। और अब बात करते हैं रितेश पांडे की। तो आपको बता दें फिल्मों में रितेश पांडे की प्राइस अरविंद अकेला कल्लू के बराबर ही है, 8 से 10 लाख। लेकिन आगे आप सुनिए इनके बारे में। तो आपको बता दें हेलो कौन, लहंगा लखनऊआ, पियवा से पहले हमार रह लूं जैसे कई ब्लॉकबस्टर गाने देने के बाद इनकी फीस एल्बम वाइज बहुत हाइक हो गई है। अगर वो गाना करते हैं और वो गाना हेलो कौन जैसा या फिर पियवा से पहले हमार रह लूं जैसा सुपर हिट हुआ तो उसमें आधा प्रॉफिट रितेश पांडे का ही होता है। इसमें वो प्रॉफिट का आप समझ सकते हैं कि वो रितेश पांडे अगर 2 फिल्में करें तो वो प्रॉफिट पूरा होता है, यानी कि 2 फिल्मों के बराबर वो एक एल्बम एक गाने से ही कमा लेते हैं। फिर इसमें स्टेज शो भी शामिल है और आपको बता दें स्टेज शो में भी रितेश पांडे की अच्छी डिमांड रहती है, इसलिए उनका स्टेज शो 3 लाख से कम में नहीं होता है। और अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का प्रमोशन किया तो वो प्रमोशन वाइज ही होता है, लेकिन यहाँ भी उनकी वैल्यू रेट ज़्यादा ही है। बात कर लेते हैं प्रदीप पांडे चिंटू की। जी हाँ, बताया जाता है प्रदीप एक फिल्म करने का 10 से 15 लाख लेते हैं, साथ ही स्टेज शो हुआ और किसी ब्रांड का प्रमोशन सभी मिला दिया जाए तो प्रदीप पांडे चिंटू काफ़ी आगे हैं अरविंद अकेला कल्लू से। वैसे फिल्मों की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू कम से कम साल में 5 से 6 फिल्में लाते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक फिल्म में अगर वो 15 लाख ले रहे हैं तो वो 5 फिल्मों का कितना लेंगे। अब बात कर लेते हैं यश मिश्रा की। तो आपको बता दें कि यश मिश्रा 15 से 17 लाख एक फिल्म करने का लेते हैं। वैसे भी अब वो प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, यश अच्छा गाना गाते हैं तो वो अपनी एल्बम खुद ही निकालते हैं, अपने गाने खुद ही निकालते हैं, तो ज़्यादातर उन्हें उसका प्रॉफिट खुद ही मिलता है। अगर यश स्टेज शो करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपये, तो आप समझ सकते हैं कि यश मिश्रा की डिमांड कितनी है। अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भोजपुरी के टॉप 3 सुपरस्टार में से एक है। खेसारी की फिल्मों बहुत ही दमदार होती हैं, वो चलती भी हैं, तकरीबन 3 से 4 फिल्में 5 फिल्में कभी कभी वो साल में लेकर आते हैं, गानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अपनी फिल्मों में खेसारी 40 से 45 लाख एज अ हीरो लेते हैं। जी हाँ, एज अ हीरो वो 40 से 45 लाख, स्टेज शो करने का 5 से 7 लाख, और किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए खेसारी ब्रांड वाइज ही अपनी वैल्यू बताते हैं, अपनी प्राइस बताते हैं। साथ ही साथ जब वो देश से बाहर स्टेज शो करते हैं तो उसकी प्राइस दुगनी हो जाती है, वो 10 से 12 लाख हो जाती है।
और अगर खेसारी गाने निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि खेसारी को उसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि व्यूज़ वाइज इनके गाने जाते हैं और खेसारी उस हिसाब से अपने पैसे लेते हैं। साथ ही खेसारी, पवन, निरहुआ जैसे कई बड़े कलाकार फिल्म सफल होने पर, सुपर डुपर हिट होने पर उसमें प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की, तो 45 से 50 लाख, जी हाँ, एक फिल्म करने का प्लस फिल्मों में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गानों का ये हिसाब है, अगर वो हिट होता है तो उन्हीं के म्यूज़िक, उन्हीं के यूट्यूब चैनल द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है, तो सारा प्रॉफिट उसका होता है। स्टेज शो करते हैं तो फिक्स प्राइस 5 लाख है, जी हाँ, एक स्टेज शो इंडिया में करेंगे तो 5 लाख है, आउट ऑफ इंडिया करेंगे तो ये सारा कुछ दुगना हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की, जी हाँ, पवन सिंह 50 से 60 लाख, किसी फिल्म को करने का 50 से 60 लाख लेते हैं, स्टेज शो करने का 8 लाख लेते हैं, और अगर बाहर स्टेज शो कर रहे हैं तो आप समझ जाइए ये रकम दुगनी हो जाती है। हमेशा आप जब भी बाहर स्टेज शो करते हैं, देश से बाहर करते हैं, तो वो स्टेज शो तो इसकी रकम दुगनी हो जाती है, और ये तकरीबन पहुंच जाती है 15 लाख के तकरीबन पहुँच जाती है। और इनके सारे स्टेज शो हमेशा देखा गया है कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं और सफल भी रहते हैं। साथ ही गानों की बात करें तो अलग अलग म्यूज़िक कंपनियों से इनका करार है गाना करने का, 1 से 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन अगर वो गाना सुपर डुपर हिट होता है तो उसमें प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। आज पवन सिंह भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टरों में से हैं, इनसे पहले ये मुकाम रवि किशन और मनोज तिवारी के पास था। जी हाँ, रवि किशन और मनोज तिवारी हमेशा अपनी फिल्मों में ज़्यादा पैसा ही लेते थे, क्योंकि वो सफलता की गारंटी भी बनते थे। लेकिन पवन सिंह के लिए ये भी कहा गया कि फिल्म क्रैक फाइटर के दौरान इन्होंने अपनी फीस को इतना बढ़ाया था कि अभी तक भोजपुरी में इतनी फीस किसी भी एक्टर को न मिली है। जी हाँ, ये फीस थी 1 करोड़ रुपए, और इस फिल्म के लिए इन्होंने प्रॉफिट भी शेयर नहीं किया था, 1 करोड़ रुपए इन्होंने फीस ही डायरेक्ट ली थी। और यह फिल्म पवन सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी साबित हुई थी। जी हाँ, अब तक के पवन सिंह की सबसे सफल फिल्मों में से एक है क्रैक फाइटर। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी बहुत ही बड़ी डिमांड थी कि भोजपुरिया एक्टरों को कितना फीस मिलता है, और भोजपुरिया एक्टरों के घरों के बारे में, और कई मैसेज आते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो हम आपको बता दें कि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप अपना प्यार देते रहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।